हेलो बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के बारे में जानेंगे। आप लोगों के सिलेबस में प्राचीन भारतीय इतिहासकार को पढ़ना है, जिसमें से बाणभट्ट, कल्हण, बिल्हण, जयानक, इन लोगों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहासकार बाणभट्ट। आज हम लोग बाणभट्ट के विषय में, उनके जीवन काल के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज मैं सबसे पहले बाणभट्ट के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगी। उसके पश्चात हम लोग बाणभट्ट के जीवन काल से संबंधित घटनाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। जो बाणभट्ट ये 7वीं शताब्दी मतलब 600 ईस्वी के बाद 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे, राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरित तथा कादंबरी। जो बाणभट्ट की दो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका नाम है हर्षचरितम और कादंबरी। हर्षचरितम के अंतर्गत राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादंबरी दुनिया का प्रथम उपन्यास था। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया, अर्थात कादंबरी को बाणभट्ट जी पूरा न कर सके और उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनके उपन्यास को उनके पुत्र भूषण भट्ट राव ने पूरा किया। दोनों ग्रंथ अर्थात हर्षचरित और कादंबरी संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बाणभट्ट के जीवन काल से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। बाणभट्ट भारतीय इतिहास लेखन परंपरा के इतिहास कृतियों में बाणभट्ट के हर्षचरित का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है, अर्थात बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरितम वह इतिहास लेखन परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वे प्राचीन भारत के जीवन चरितकार थे। बाणभट्ट प्राचीन काल के जीवन चरितकार थे। बाण ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हरचरित में अपने जीवन का कुछ परिचय दिया है। उनकी जो रचना है हर्षचरितम उसमें उन्होंने स्वयं के बारे में कुछ बातों को बताया है। जैसे उनके अनुसार उनका वात्सायन गोत्र विद्या प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी रचना हर्षचरितम में लिखा है कि उनका गोत्र वात्सायन विद्या प्रेम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका अर्थ ये निकलता है कि बाणभट्ट वात्सायन गोत्र से संबंधित थे। बाण की माता का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था। जब बाणभट्ट छोटे थे, छोटे बालक थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता ने माता के समान इनका लालन पालन किया तथा 14 वर्ष की अवस्था से पहले ही
वे विद्या में प्रवीण हो गए। बाणभट्ट की जब आयु 14 वर्ष की हुई तभी ये विद्या में प्रवीण हो गए, मतलब कुशल हो गए। उन्होंने आचार्य भरहु के श्री चरणों में विद्या अध्ययन किया। इनके गुरु का नाम था भरहु, जिनके सानिध्य में आकर बाणभट्ट ने विद्या ग्रहण किया। वे घर लौटे ही थे जब विद्या का अध्ययन पूरा कर लिया बाणभट्ट ने, और जब वो अपने घर वापस लौटे तभी उनके पिता का भी निधन हो गया। सबसे पहले तो उनके बाल्यकाल में ही माता का देहांत हो गया, उसके बाद उनके पिता ने उनका लालन पालन किया, और भरहु के सानिध्य में आकर 14 वर्षों की आयु में ही बाणभट्ट ने सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। और जैसे ही वो घर लौटे वैसे ही उनके पिता का भी निधन हो गया। अतः वह धन्य धान्य संपत्ति शालीनता और प्रतिभा का पांडित्य के होते हुए भी वे कुचक्र में फंस कर घुमंती जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास धन संपत्ति प्रतिभा सब कुछ था, लेकिन कुछ बुराइयों में वो फंस गए और उन्होंने घुमंतु जीवन को अपना लिया। घुमंतु जीवन मतलब यहाँ वहाँ भटकने लगे, घूमने लगे। उनकी बुराई सुनकर सम्राट हर्ष ने उन्हें भुजंगम कहा, तो उन्हें अनुभव हुआ कि इस शब्द में सत्य की अभिव्यक्ति है। उनके बारे में जब सम्राट हर्ष ने सुना तो उन्होंने बाणभट्ट को भुजंगम कहा। किंतु बाण ने थोड़े ही समय बाद अकल आ गई, कुछ समय बाद ही बाणभट्ट को अकल आ गई और शीघ्र ही अपने घर लौट आए। सम्राट हर्ष की सभा में उनका परिचय कराया गया और उनके प्रति जो भ्रांतियां थीं, उनके प्रति जो भ्रम थे उन्हें दूर किया गया। फलतः वे सम्राट हर्ष के सभा में राजकवि नियुक्त हो गए। चलिए सबसे सम्राट हर्ष को जान लेते हैं। सम्राट हर्ष का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी, जहाँ पे बाणभट्ट को राजकवि के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी रचनाओं में हर्ष चरित और कादंबरी लोकप्रिय रहा। बच्चों अब हम लोग ये जान लेते हैं कि बाणभट्ट ने हर्ष चरित ग्रंथ में हर्ष से संबंधित किन किन घटनाओं का उल्लेख किया है। तो बाणभट्ट सबसे पहले हर्षवर्धन और उनके भाई राज्यवर्धन के गर्भ में प्रवेश को बताया है। उसके बाद उनके पिता के भयंकर बीमारी और हूड़ों को पराजित करके आने का हर्ष के बहनोई मतलब बहन का पति, हर्ष के बहनोई गृहवर्धन के वध का तथा राज्यवर्धन द्वारा मालववर्धन की पराजय, गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की छल से हत्या, हर्ष की गौड़ के विरुद्ध युद्ध तथा राजश्री के खोज की मार्मिक वर्णन किया गया है। उसके बाद उनका हर्षचरित सहसा समाप्त हो जाता है। अर्थात अगर हम संक्षेप में समझे तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में जब हर्षवर्धन और उनके भाई राज्यवर्धन उनकी माता के गर्भ में प्रवेश किए थे तब से उनका हर्षचरित प्रारंभ होता है। उसके पश्चात उन्होंने उनके पिता की बीमारी का वर्णन किया है और उनके पिता ने हूड़ों को पराजित करने के लिए जब अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजा था उसका वर्णन है। फिर
फिर उसके बाद हर्ष के बहनोई ग्रह वर्मा या ग्रह वर्मन की जब हत्या हुई थी उसका वर्णन किया है। उसके बाद राजवर्धन द्वारा मालवर्धन की पराजय, जब मालवा के नरेश को राजवर्धन ने पराजित किया था उसका वर्णन है। उसके पश्चात गौड़ नरेश शशांक द्वारा छल द्वारा जब राजवर्धन को बंदी बना लिया गया था उसका वर्णन है। जिसके पश्चात हर्ष ने जब सुना कि उसके भाई राजवर्धन को छल से बंदी बना लिया गया है तो हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए जब जाता है उसका वर्णन है। उसके पश्चात राजश्री के खोज का मार्मिक वर्णन किया गया है। अगर हम सब हर्षचरित को कई चरणों में विभक्त करें तो हर्षचरित को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। जैसे प्रारंभ और 5 चरणों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है, जिसमें पुष्यभूति की कथा है। हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था तो उसमें पुष्यभूति राजवंश के बारे में पहले बताया गया है। उसके बाद हर्ष का भव्य जन्मोत्सव है, हर्ष के जन्म के बाद जो जन्मोत्सव हुआ था वो है। उसके बाद प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन और उसके भाई राजवर्धन का पिता था। प्रभाकर वर्धन एवं ग्रहवर्मा राजवर्धन की मृत्यु, जब प्रभाकर वर्धन बीमार हुआ उसके बाद उसकी मृत्यु हुई उसका वर्णन है। ग्रहवर्मा की जब हत्या हुई उसका वर्णन है। और जब राज्यवर्धन को छल से बंदी बना लिया गया और उसके बाद उसकी मृत्यु उसको मार दिया गया उसका वर्णन है। और राजश्री की जो हर्ष अपनी बहन की खोज में निकला था उसका मार्मिक वर्णन है। फिर अंत में हर्ष की राज्य की प्राप्ति को बताया गया है। इन घटनाओं को काल क्रमानुसार वर्णित किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाणभट्ट रचित हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश के काल क्रमानुसार इतिहास को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बाणभट्ट और उसकी जो रचना है हर्षचरित, उसमें क्या वर्णित किया गया है।